हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चना दाल तड़का की रेसिपी। तो चलिए हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दाल को बॉईल करनी है। उसके लिए मैंने एक जग में पानी ले लिया है और मैंने यहाँ दो टाइप की दाल ली है, मूंग दाल और चना दाल। चना दाल मैंने 2 कप ली है, उसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और उसका पानी अभी मैंने ड्रेन कर लिया है। और मैंने 1 कप के करीब मूंग दाल ली है और कुछ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आधा मैं चना दाल को बॉईल करने के टाइम पर यूज़ करूँगी और बाकी मैं जब दाल फ्राई करेंगे उस टाइम पर। और यहाँ नमक और हल्दी ली है। हल्दी को बॉईल करने के टाइम पर हमें डालना बहुत ज़रूरी है, इससे दाल का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए हम अब दाल को बॉईल करते हैं। तो सबसे पहले मैं मूंग दाल इसमें डाल रही हूँ। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ तो उसी के हिसाब से पानी इसमें जाएगा। अब मैं मूंग दाल इसमें डाल रही हूँ। और कुछ हल्दी और नमक। और अदरक और लहसुन का पेस्ट। और देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, जस्ट टेस्ट के लिए। और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए, मैंने इतना ही पानी डाला है, आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी डालिएगा। जब तक दाल बॉयल होती है, अब हम इसका एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो मैं इसमें कुछ कटी हुई प्याज डाल लूँगी। और इसमें प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा हम इसे फ्राई कर देंगे। और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, जो मैंने आपको बॉईल करते के टाइम दिखाया था वही वाला हम इसमें ऐड कर देंगे। बस याद रखिए, प्याज को बिल्कुल इसमें ब्राउन नहीं करना है, ऐसे ही बस नरम रखना है, पिंकिश होना चाहिए कलर में। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऑयल छोड़ने लगेगा तो मैं इसमें ज़ीरा, हरी मिर्चें वो डाल रही हूँ। अब सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और अब मैं इसमें 2 टमाटर का पेस्ट है वो मैं डाल रही हूँ। मैंने 2 टमाटर के छिलके उतार कर और उनका ये पेस्ट बना लिया है, तो वो अब मैं इसमें डालूँगी। और अब 1-2 मिनट के लिए हम टमाटर को पकने देंगे। और अब देखिए, टमाटर इस तरीके से पक चुके हैं। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, आप हल्दी पाउडर हिसाब से ऐड कीजिएगा, क्योंकि बॉयल करते टाइम भी हमने ऐड किया है। और यहाँ लाल मिर्च मैंने ऐड की है और धनिया पाउडर। लाल मिर्च अभी इस टाइम थोड़ी कम इस्तेमाल करनी है, क्योंकि तड़का जब हम दोबारा से एक तड़का देंगे तो उसमें भी हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम मसालों को अच्छे से पका लेंगे। जिस कंटेनर में मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसी में ही थोड़ा पानी डालकर इन मसालों में डाल दूंगी और अच्छे से पकने दूंगी। और अब इस पर ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए इसे मैं पका लूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, इसे हम चेक करते हैं। और ये देखिए, मसालों ने ऑयल भी छोड़ दिया है, इसका मतलब है मसाले अच्छे से पक गए हैं।
कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। और अब हम दाल को चेक करते हैं, दाल भी हमारी ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी है। तो ये देखिए चना और मूंग दाल हमारी बॉयल हो चुकी है और वो भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और जो पानी उसका दाल का बचेगा उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि उसी में सारा टेस्ट है, उसमें जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था उसका सारा टेस्ट है। तो पानी वो फेंकना नहीं है, उसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा पानी भी ऐड कर दिया है दाल में। और अब मैं थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ी कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं कसूरी मेथी की जगह पर। और अब इसमें चम्मच चला देंगे हम। और अब मैं थोड़ा इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, नमक थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना है क्योंकि दाल को बॉयल करते टाइम भी हमने नमक इसमें डाला था। और ये देखिए दाल भी यहाँ हमारी थिक होना स्टार्ट हो गई है। तो जब भी आप चना दाल तड़का बनाएं या चना दाल फ्राई कुछ भी बनाएं, तो उसमें मूंग दाल आप ऐड करें या तुअर दाल कुछ भी आप ऐड करें, उससे आपकी दाल जो होगी उसकी कंसिस्टेंसी थिक होगी और उसमें रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा। और अब हम इसे ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। दाल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। बट ये पूरे तरीके से रेडी नहीं हुई है इस, क्योंकि ये चना दाल तड़का है, इसमें अभी एक ज़बरदस्त सा हम तड़का लगाएंगे। अब मैं एक तड़का तैयार कर रही हूँ, तो ये इसमें हम मक्खन का तड़का लगाएंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मक्खन से। और यहाँ मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ, तड़के में लहसुन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से मैंने लहसुन के बहुत ही बारीक पीसेस कर दिए हैं। लहसुन ने अपना कलर चेंज कर दिया है, तो अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें वो ऐड कर रही हूँ और थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, इसे कलर बहुत अच्छा आता है, तो ये आप प्लीज़ ऐड कीजिएगा, इसे कलर बहुत अच्छा आएगा। तड़का तैयार हो चुका है, हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और अब हम दाल में तड़का लगा लेंगे। तो ये है हमारी चना दाल तड़का का फाइनल लुक। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दें। थैंक यू सो मच।